अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमैराज किचन। आज मैं लेकर आई हूँ कीमे की एक बहुत ही अच्छी और न्यू रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए है 1 kg कीमा। आप मटन या बीफ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे 5 tablespoons यहाँ पे मैंने दही लिया है और हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि हम जो हमारा मिन्स है उसको जो है वो अच्छे से मैरिनेट कर सकें। तो यहाँ 1 tablespoon मैंने तिक्का मसाला यूज़ किया है। इसके साथ साथ जो घर के मसाले हैं हम वो ऐड करेंगे। 1 teaspoon मैंने सॉल्ट ऐड किया है और इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे, विच इज़ 1 tablespoon। 1 tablespoon एंड 1.5 tablespoon आप अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। 1 teaspoon मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे, विच इज़ 1 teaspoon। इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है। यही स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे कीमे को मैरिनेट करने के लिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कीमा में भी सारी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, बट उसका ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते। सो मैं हमेशा सेपरेट से बनाती हूँ मैरिनेशन ताकि आप उसे टेस्ट कर सकें एटलीस्ट। और ये कीमा जो है इस पे मैंने सारा जो बैटर है दही का वो डाल के इसको मैरिनेट कर लिया है, मिक्स कर लिया है, और आपने इसे कम से कम भी 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। यहाँ पे हमारे पास है हरी इलायची, लौंग, काली इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा। तो 2 घंटे के बाद जब आपकी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाए हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑयल में हमने ये जो साबुत मसाले हैं वो ऐड किए हैं, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 1 large size अनियन है जिसे मैंने इस तरह से काट लिया था, उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। इसे आपने अच्छे से गोल्डन करना है, ये आप देख सकते हैं। अच्छे से आपने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और जब ये गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कलर। और अब आप इसमें कीमा ऐड कर दीजिए जो कि मैरिनेट हो चुका है। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है प्याज के मसाले के साथ और इसे आप इस तरह से टॉस करें कि जो स्पाइसेस हमने डाले हैं, जो गरम मसाले जिसको बोलते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे 2 हरी मिर्चें काट के जो हैं वो ऐड कर देंगे। और जो आपको यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है ये दही का पानी है और इसी में जो है ये कीमा रेडी होगा। हम कोई भी एडिशनल पानी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसे अच्छे से आपने पकाना है, मीडियम फ्लेम रखेंगे, टाइम टू टाइम कवर करेंगे हम लिड के साथ ताकि कीमा गलता भी रहे अच्छे से। और ये आप देखें पानी ड्राई हो जाए तो आपको इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर के साथ साथ आपको यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 ही टमाटर थे जिनको मैंने पील किया हुआ था, तो वो अब हम ऐड कर रहे हैं इस स्टेप पे आके। इसे अच्छे से आपने पकाना है कम से कम 4 से 5 मिनट और इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। टमाटर प्याज जो अभी आपको नज़र आ रहा है वो सब मिक्स हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद आपने इस पर डालने हैं लेमन, हरी मिर्चें और साथ में धनिया। उसे मिक्स करेंगे, हम फॉइल प्लेस करेंगे, उस पर हमने कोयला गरम करके रख दिया है। और मैरिनेशन के साथ जब कोयले की खुशबू आएगी तो वो बहुत ही मज़ा देगी आपको। और ये आपने देखा है मैंने इस पर ऑयल का एक ड्रॉप लगाया है और इसका धुआं जो है वो बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहा है। और आप इसे कवर कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए स्मोक का। तो आपका कीमा जहाँ पे जो है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो। आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।